नमस्कार दोस्तों, आज मैं यूडाइस प्लस भरने के लिए थोड़ा बहुत जानकारी दे रहा हूँ। आप इसे अच्छी तरह से देखें और अपना विद्यालय का यूडाइस प्लस अपडेट करें। तो सबसे पहले अपने एंड्रॉयड मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र में जाकर के इसको ओपन करें। सबसे पहले हम मेरे पास क्रोम ब्राउज़र है, तो मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। यदि किसी का क्रोम ब्राउज़र अपडेट नहीं है तो प्ले स्टोर में जा कर के उसको अपडेट कर लें। फिर क्रोम ब्राउज़र के सर्च बार में यूडाइस प्लस आ जाता है। udaisplus.gov.in 2021 इस पर टच करेंगे। इसके बाद जो इंटरफेस खुलेगा उसमें पहला जो लिंक है उसको मैं टच करके देखता हूँ। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड, ये ब्लॉक द्वारा प्रत्येक विद्यालय को उपलब्ध कराया गया है। ठीक, यूजर आईडी यहाँ डालेंगे और पासवर्ड यहाँ डालेंगे, कैप्चा डाल करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो मैं अपने विद्यालय का मैं देख रहा हूँ। पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डाल दिया, लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे और वेट करेंगे। इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 211 टोटल स्कूल ऑपरेशनल 211। ठीक, नॉट स्टार्टेड भी लिखा है, 201 भी विद्यालय अभी शुरू नहीं किए हैं, इसलिए ऐसा दिख रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, इसी 211 को टच करेंगे तो इस तरह का विद्यालय की सूची खुल के आ जाएगा। अब इसमें सर्च बार में यहाँ पे, ठीक है, सर्च बार इस जगह पे है, यहाँ पे अपने विद्यालय का यूडाइस कोड डालेंगे। ठीक है, यूडाइस कोड डालने के बाद विद्यालय का नाम आ जाता है और यहाँ पे यूडाइस कोड भी दिखता है। इससे हमारा विद्यालय का प्रामाणिकता जानकारी हो जाती है, पक्का कि यह मेरे विद्यालय का है। ये इसी यूडाइस कोड पर टच करके फिर हम इस डाटा को खोलेंगे। कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसको पढ़ लेंगे, डाटा भरने से पहले इसको पढ़ लेंगे कि क्या क्या यहाँ पे है। स्कूल का नेम, स्कूल कैटेगरी, लोवेस्ट क्लास, हाईएस्ट क्लास, स्कूल मैनेजमेंट। ठीक है, यदि इसमें किसी तरह का कुछ सुधार करना है तो ब्लॉक MIS से कांटेक्ट करना है और वहाँ से सुधार करवा लेना है, अन्यथा अपने से सुधार नहीं कर सकते हैं। इसके बाद ओके कर देंगे। यदि सारा डाटा सही है तो ओके कर देंगे। और यहाँ सेक्शन एक में स्कूल प्रोफाइल लोकेशन स्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ये दिया हुआ है। ठीक, अब इसको हम बारी बारी से चेक कर लेंगे। जैसे पहला जो है इसको हम चेक करेंगे। अब यहाँ पे
स्कूल प्रोफाइल अपडेट स्कूल प्रोफाइल, इस लिंक पर हम टच करेंगे और खोलेंगे तो मेरा स्कूल का प्रोफाइल खुल गया। सारा डिटेल देख सही देख लेंगे, कोई चेंजिंग करना है तो अपडेट कर लेंगे और इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो अगला पेज आएगा, फिर इसको भी देख लेंगे, जहाँ कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत होगी वहाँ हम परिवर्तन कर लेंगे। इसके बाद यदि परिवर्तन किए हैं तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, अन्यथा नेक्स्ट करेंगे। वेट करेंगे, इसके बाद बैक यदि जाना है, बैक जाना है तो इस बैक बटन पर टच करके हम पिछले पेज में जा सकते हैं। तो अभी मुझे पिछले पेज पर नहीं जाना है, आगे बढ़ना है, इसलिए मैं नेक्स्ट बटन दबाता हूँ। फिर वो अगला पेज आएगा लैंग्वेज से संबंधित, इसमें भी सारा डाटा भरेंगे। भरने के बाद इसमें आपका टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डेज प्रीवियस ईयर कितना चला है वो भरना है, विद्यालय में एवरेज बच्चे कितने घंटे ठहरते हैं वो, टीचर कितने घंटे रहते हैं वो भर के आगे सेव एंड नेक्स्ट करना है। आगे पेज इस तरह का खुलता है और आपको एक पॉपअप यहाँ पे दिखता है कोना में कि अपडेट सक्सेसफुली का, इससे समझ आएंगे कि ये मेरा डाटा अपडेट हो चुका है। इसके बाद का पेज ये है, इसको भी बारी बारी से भरते जाएंगे। एकेडमिक सेशन कब स्टार्ट होता है, ठीक है, टेक्स्ट बुक कब रिसीव किए, टोटल किए या नहीं किए, इसके बाद ये भरने के बाद नंबर ऑफ एकेडमिक इंस्पेक्शन कितना हुआ, सीआरसी द्वारा, बीआरसी द्वारा, डिस्ट्रिक्ट द्वारा, ये सब करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो मैं पहले ही सेव कर चुका हूँ इसलिए सीधा नेक्स्ट कर दूँगा। आगे पेज है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट में आपका क्या एसएमसी का कमेटी चलता है, बीएससी चलता है, ये भरना है। टोटल नंबर ऑफ एसएमसी मेंबर में कितने महिला पुरुष हैं ये भरेंगे, उसमें पेरेंट कितने हैं महिला पुरुष, एसटी एसटी ईवीएस माइनॉरिटी सभी अपना डाटा से देख करके भर लेंगे। इसमें टीचर कितने इंक्लूड हैं ये भरेंगे, पिछले एकेडमिक वर्ष में कितना एसएमसी का मीटिंग हुआ इत्यादि भर करके बैंक डिटेल भी भर लेंगे। इसके बाद आगे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। और इसी तरह से हर पेज भरते भरते चले जाएंगे। सारा डाटा भरने के बाद, सारा डाटा जब भर जाएगा तो अंतिम पेज चेकलिस्ट का पेज है, वो मिला लेंगे, क्या छूटा क्या नहीं छूटा, क्या हमने छोड़ा है, टीचर्स डिटेल इत्यादि सभी भरने हैं, छात्र वार आंकड़ा भरना है। और ये आंकड़ा मिसमैच नहीं होना है, इस पर विशेष ध्यान रखना है। एज ग्रुप, जितने छात्र का विवरण पीछे डाले हैं इस पेज में भी वही विवरण रहेगा, लेकिन उम्र अनुसार रहेगा, इस दोनों का मैच होना है। फिर आपका
मीडियम के अनुसार भी है। यदि किसी विद्यालय में दो या तीन मीडियम से पढ़ाई होती है तो उन विद्यालयों में जो बच्चे हैं उनके डाटा सब मिलकर के टोटल शुरू में जो डाटा भरे हैं वो उससे मैच करना होगा, इस पर ध्यान रखना है। सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का भी विवरण देना है। और बच्चों को क्या क्या फैसिलिटी गत वर्ष मिला है, जैसे फ्री बुक, फ्री यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट, स्कॉट, साइकिल इत्यादि, प्राइमरी और अपर प्राइमरी में क्या क्या सुविधाएं मिली है, इसका डिटेल भी आपको भरना है। फिर CWSN बच्चों को क्या क्या सुविधाएं मिली है, जैसे ब्रेल बुक मिला है कि नहीं, ब्रेल किट, लो विजन का क्या क्या किट मिला है, हियरिंग एड है, बैसाखी है, व्हील चेयर, ट्राइसाइकिल इत्यादि। फिर क्लास फाइव में जो बच्चे एपियर हुए हैं, कितने पास हुए हैं, 60% से कितने अधिक स्टूडेंट पास किए हैं, ये सभी का डाटा कैटेगरी वाइज देना है। फिर इसी तरह से एट क्लास का भी देना है डाटा। फिर आपके पास रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, जो विकास अनुदान की राशि मिलती है, या लाइब्रेरी ग्रांट है, TLM है, या जिस तरह का ग्रांट है उसका विवरण यहाँ इस पेज पर देना है। इसके बाद इसमें है PGI इंडिकेटर, ये केवल गवर्नमेंट और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए है। ये सभी क्वेश्चनरी का उत्तर SR9 में दिया हुआ है, इसको करने के बाद सेव एंड कंप्लीट करेंगे। और सेव एंड कंप्लीट होने के बाद आगे DCF का एक पेज आएगा, उस पर सर्टिफिकेशन आएगा, उसको हम लोग करेंगे, डाटा को प्रिंट आउट कर लेंगे। धन्यवाद।